प्रश्न एक, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? उत्तर है राजिम। प्रश्न दो, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? उत्तर है खरौद। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? उत्तर है मैनपाट। प्रश्न चार, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? उत्तर है तपकरा। प्रश्न पाँच, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? उत्तर है चैतूरगढ़। प्रश्न छः, छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी का नाम क्या है? उत्तर है रतनपुर। प्रश्न सात, छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? उत्तर चापा। प्रश्न आठ, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? उत्तर अंबिकापुर। प्रश्न नौ, तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? उत्तर रतनपुर। प्रश्न दस, मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? उत्तर आरंग। प्रश्न ग्यारह, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? उत्तर भोरमदेव। प्रश्न बारह, इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? उत्तर भिलाई। प्रश्न तेरह, छत्तीसगढ़ का नियाग्रा किसे कहा जाता है? उत्तर चित्रकूट। प्रश्न चौदह, छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या है? उत्तर रायपुर। प्रश्न पंद्रह, न्यायधानी के नाम से कौन जाना जाता है? उत्तर बिलासपुर। प्रश्न सोलह, छत्तीसगढ़ का संस्कार धानी किसे कहा जाता है? उत्तर राजनांदगांव। प्रश्न सत्रह, छत्तीसगढ़ का ऊर्जा धानी किसे कहा जाता है? उत्तर कोरबा। प्रश्न अठारह, चौराहों का शहर किसे कहा जाता है? उत्तर जगदलपुर। प्रश्न उन्नीस, छत्तीसगढ़ का पेरिस किसे कहा जाता है? उत्तर राजनांदगांव। प्रश्न बीस, टंकियों का शहर किसे कहा जाता है? उत्तर रतनपुर। प्रश्न 21, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस किसे कहा जाता है? उत्तर तुका बांध। प्रश्न 22, छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा किसे कहा जाता है? उत्तर गंगरेल बांध। प्रश्न 23, छत्तीसगढ़ की सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? उत्तर भिलाई। प्रश्न 24, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? उत्तर सनाहिल। प्रश्न 25, समृद्धि की नगरी किसे कहा जाता है? उत्तर सिरपुर। प्रश्न 26, छत्तीसगढ़ का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? उत्तर राजिम व नवापारा। प्रश्न 27, छत्तीसगढ़ का मासिम राम किसे कहा जाता है? उत्तर अबूझमाड़। प्रश्न 28, सबसे बड़ी इमली मंडी के नाम से कौन जाना जाता है? उत्तर बस्तर। प्रश्न 29, छत्तीसगढ़ का महातीर्थ स्थान किसे कहा जाता है? उत्तर राजिम। प्रश्न 30, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसे कहा जाता है? उत्तर भिलाई। दोस्तों, यदि आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।